बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो हमारे पास जनरल रिएक्शन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन था। तो आज हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी। व्हाट इज केसी एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। इम्पोर्टेंस ऑफ केसी डिपेंड अपॉन टू डिफरेंट स्टेप्स, विच वन इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमने रिएक्शन की सिमत देखनी है, सिमत की क्या करनी है, पेश हुई। देन हमने देखनी है हद बंदी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन की जो हद बंदी है वो कैसे होती है। सिंपल सी एग्जांपल देता चलूँ, हम देखें जैसे हमारे पास महकमा मौसमियात वाले होते हैं, वो हमारे में ब्रॉडकास्ट करते हैं कि हमारा जो वेदर है वो थ्री डिफरेंट कंडीशन पर मुश्तमिल होता है, कि आया क्या वो सनी है, क्लाउडी है या रेनी है। दीज डिफरेंट कंडीशन डिपेंड अपॉन आवर वेदर। एंड देखे अगर वो सनी होगा तो क्या होगा, सूरज, क्लाउडी होगा तो क्या होगा, बादल, एंड रेनी होगा तो वो कहते हैं कि हमारा जो वेदर है वो थ्री डेज फोर डेज रेनी है या क्लाउडी है या क्या है, सनी है, हीट है, ठंड है, तो ये हमारे क्या होता है ब्रॉडकास्ट। तो हमने एक रिएक्शन की भी सीमत देखनी होती है, उसकी हदबंदी देखनी होती है। तो रिएक्शन की हद सीमत क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कि एक रिएक्शन किस तरफ मूव करता है, उसकी डायरेक्शन क्या होते हैं। हमने कहा था जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें दोनों डायरेक्शन होती हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन भी होती है और रिवर्स डायरेक्शन भी होती है। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, जो तमाम रिएक्टेंट्स होते हैं वो मिलकर प्रोडक्ट बना देते हैं और प्रोडक्ट देन मिलकर क्या बना देते हैं, रिएक्टेंट्स बना देते हैं। तो अब ये हमारे पास हम एक रिएक्शन लेते हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिस और फॉरवर्ड भी होगा रिवर्स भी, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। हाइड्रोजन आयोडाइड जिसकी केसी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 57, ये लेबोरेटरी वैल्यू है, विच इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक हो गया। वो कहते हैं ये जो वैल्यू है 700 केल्विन टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये वैल्यू निकली है लेबोरेटरी के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया केसी की वैल्यू। वो कहता है जब हमने एक रिएक्शन की डायरेक्शन देखनी है, आया वो फॉरवर्ड रिएक्शन है या रिवर्स है, तो उसके लिए हमें उसकी वैल्यू निकालना पड़ेगी जिसको हम रिएक्शन कोशेंट कहते हैं। अगर हमने इस रिवर्सिबल रिएक्शन में इसकी पुट करनी है वैल्यूज जो हमें गिवन है बुक के अंदर, वो कहता है हाइड्रोजन की जो वैल्यू है H2, इसकी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0.10 मोल डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद जो I2 है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 0.20 मोल डेसीमीटर क्यूब, और हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 0.40 मोल डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं किस चीज़ की, जो गिवन है ऑलरेडी हमारे रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो इन वैल्यूज के बिना पर हम केसी जनरल कांस्टेंट का फार्मूला देखते हैं। केसी इज इक्वल टू HI जो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर भी डिस्कस किया था, ओवर H2 इनटू I2, ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं 0.40 ओवर 0.10 इनटू 0.20, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 8.0। तो ये हमारे पास किस चीज़ की वैल्यू हो गई, QC के, जिसको हम रिएक्शन कोशन का नाम भी देते हैं। अब रिएक्शन कोशन क्या होता है, जब हम केसी के अंदर ये वैल्यूज पुट करेंगे, केसी के अंदर गिवन डेटा पुट करेंगे
और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट रिएक्शन आएगा उसको हम रिएक्शन क्वोशेंट का नाम देते हैं। अब रिएक्शन क्वोशेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.8, कितनी आ गई 0.8 क्यूसी इज इक्वल टू 8.0 और केसी हमारे पास कितना था 57। तो हम कह सकते हैं केसी ग्रेटर देन क्यूसी, जो केसी होता है वो क्यूसी से क्या है बड़ा है। तो अब हम देखते हैं इस बिना पर रिएक्शन की सीमा क्या है कि जब केसी बड़ा होगा क्यूसी छोटा होगा तब रिएक्शन कैसा होगा, जब क्यूसी बड़ा होगा केसी छोटा होगा तब रिएक्शन कैसा होगा। तो वो कहता है हमारे पास जब केसी ग्रेटर देन क्यूसी रिएक्शन कोशेंट, जब केसी ग्रेटर देन क्यूसी देन रिएक्शन विल बिकम फॉरवर्ड। जब हमारे पास केसी ग्रेटर देन होगा क्यूसी से तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। व्हेन क्यूसी ग्रेटर देन केसी देन हमारा रिएक्शन क्या होगा रिवर्स, देन हमारा रिएक्शन क्या होगा रिवर्स। व्हेन क्यूसी इज इक्वल टू केसी देन रिएक्शन विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। जब हमारे पास केसी ग्रेटर देन क्यूसी होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड आगे की तरफ मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है। जब हमारे पास क्यूसी ज्यादा होगा केसी की निस्बत देन रिवर्स होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है। जब दोनों की स्टेट इक्वल आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो हमने रिएक्शन की सीमा देख ली कि केसी जब ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा, कम होगा तो रिएक्शन रिवर्स। जब दोनों के वैल्यूज बराबर आ जाएंगी ना फॉरवर्ड होगा ना रिवर्स, दोनों किस फॉर्म में आ जाएंगे इक्विलिब्रियम में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास था डिफिनेशन ऑफ अ रिएक्शन। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।